व्यूअर्स, वेलकम बैक टू दिस वंडर किचन। व्यूअर्स, आज मैं बना रही हूँ मेमनी ढोकरे विथ फ्राई फिश, जिसके लिए मैंने सब्जियां ली हैं, गोभी, गाजर, आलू, बैंगन और सेम की फली, लोबिया की फली। आप जो सब्जी चाहें वो इसमें डाल सकते हैं। मैंने यहाँ ये सब्जियां ली हैं। टमाटर हमें चाहिएंगे सब्जी भुनने के लिए, बीन्स मैंने लिए हैं और काले चने लिए हैं और मटर लिए हैं। मैंने हाफ हाफ प्यालियाँ ली है। मेथी की भाजी हमें बाजरे के आटे के लिए चाहिएगी, ये मैंने ली है। सबसे पहले मैं फिश को मैरिनेट करके रख दूंगी, फिर इसके बाद हम सारी सब्जियों की तैयारी करेंगे। फिश मैरिनेट करने के लिए मैंने यहाँ लहसुन जीरा लिया है 1 टेबल स्पून, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक लिया है मैंने, आपके हिसाब से ले, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/2 टेबल स्पून कुटावा धनिया, 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ फिश मसाला लिया है, 2 अदद में नींबू का जूस लूंगी। यहाँ मैं दही ऐड नहीं करूंगी, मैं सूखे मसालों में ही फिश मैरिनेट करूंगी। फिश को हम आधे घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे। सब्जी भुनने के लिए यहाँ मैंने 1 कप ऑयल लिया है। प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अब मैं इसमें सारी सब्जी ऐड कर लूंगी। सब्जियां मैंने काट के धो के ड्रेन कर लिया है। साथ ही 2 टेबल स्पून मैं इसमें लहसुन जीरा ऐड कर दूंगी। टमाटर ऐड कर दूंगी, सेम की फली और लोबिया, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। सारी सब्जी हम इसमें डाल के और मसाले डाल के भून लेंगे। मटर भी डाल दूंगी मैं, लोबिया और चने मैं थोड़ी देर के बाद डालूंगी क्योंकि उनको मैंने बॉईल किया हुआ है। हम स्पाइस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून में इसमें हल्दी ऐड करूंगी, 2 टेबल स्पून में इसमें लाल मिर्च डालूंगी, 1 टेबल स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। सब्जियां हमारी भुनेंगी जब तक मैं आटा गूंथ के आपको दिखाऊंगी। अब हम मुट्ठियों की तैयारी करेंगे, जिसके लिए मैंने बाजरे का आटा लिया है 1/2 किलो। मसाले मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी, 2 टेबलस्पून के बराबर मैं इसमें ऑयल डालूंगी। हम इसमें मेथी डालेंगे, इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा गूंद लेंगे। आटा हमारा गूंद चुका है, अब हम इसकी मुठिया बनाएंगे। मुठिया बनाने के लिए बस थोड़ा थोड़ा आप आटा लें और इसे इस शेप की बना लें। दो मुठियों जितना आटा रख दिया है, इसे मैं पानी से हल करके ढोकरे में डालूंगी, इसे ढोकरे ठीक हो जाएंगे। अब मैं इसमें बीन्स ऐड करूंगी, साबुत हरी मिर्च डालूंगी, मैंने काटी नहीं है, और चने डाल दूंगी। सब्जी भुन चुकी है, अब मैं इसमें 2 गिलास पानी ऐड करूंगी। सब्जी को जब जोश आ जाएगा तो हम इसमें मुठिया ऐड करेंगे।
अब हम फिश फ्राई करेंगे। सब्जी में जोश आ चुका है, अब मैं इसमें मुठियां डालूंगी। सब्जी के साथ मुठियां पकने में 15 मिनट लगती हैं। इसे मैं चमचा नहीं चलाऊंगी, अगर चमचा चलाएंगे तो मुठियां टूट भी सकती हैं, तो हमें इसे सिर्फ पतीले से हल्का सा हिला देना है। मुठियां डालने के बाद मैं इसमें साबुत खटाई ऐड करूंगी, 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करूंगी और हरा धनिया डालूंगी। आखिर में मैं इसमें जो बैटर बनाया था वो डाल दूंगी। हमें यहाँ चमचा बिल्कुल भी नहीं चलाना है, बस सिर्फ हल्का सा तीले से हिला लेना है। माशाल्लाह जबरदस्त, ढोकड़े हमारे रेडी है। अब मैं इसे डिश आउट करके आपको दिखाऊंगी। हमारे चटपटे ढोकड़े तैयार है। आप चाहे तो यहाँ फिश का ऑयल भी डाल सकते हैं। जी बस, अगर आपको मेरी मजे मजे की यूनिक रेसिपीज पसंद आती हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।